जब किसान किसी प्राइवेट एजेंसी या उद्योग से समझौता करेगा तो बुवाई से पहले ही उपज की कीमत भी तय हो जाएगी। इसके लिए बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी, सब कुछ समझौता करने वाली संस्था ही देगी। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसान किसी कारण से समझौता तोड़ना चाहता है तो उसको कोई जुर्माना नहीं देना होगा, लेकिन अगर किसान से समझौता करने वाली संस्था समझौता तोड़ती है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि समझौता सिर्फ उपज पर होगा, किसान की जमीन पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा, यानी किसान को हर प्रकार की सुरक्षा इन सुधारों के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। जब भारत का किसान सशक्त होगा, उसकी आय बढ़ेगी, तो कुपोषण के खिलाफ अभियान को भी उतना ही बल मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारत और एफएओ इसके बीच बढ़ता तालमेल इस अभियान को और गति देगा। हम जानते हैं छोटी आयु में गर्भधारण करना, शिक्षा की कमी, जानकारी का अभाव, शुद्ध पानी की पर्याप्त सुविधा न होना, स्वच्छता की कमी, ऐसी अनेक वजहों से हमें वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए थे जो कुपोषण के खिलाफ की लड़ाई में मिलने चाहिए। मुझे गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था, तो इन तथ्यों को मैंने ध्यान में रखते हुए वहां पर अनेक नई योजनाओं पर काम शुरू किया था। आखिर दिक्कत कहां है, नतीजे क्यों नहीं मिल रहे और नतीजे कैसे मिलेंगे, इसका एक लंबा अनुभव मुझे गुजरात में मिला। उन अनुभवों को लेकर जब 2014 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला तो मैंने नए सिरे से पूरे देश के अंदर कुछ प्रयासों को प्रारंभ किया। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के आगे बढ़े, होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आगे बढ़े, तमाम साइलोज को समाप्त करके हमने एक मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी रणनीति पर काम शुरू किया। एक तरफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ तो दूसरी तरफ हर उस फैक्टर पर काम किया गया जो कुपोषण बढ़ाने का कारण था। बहुत बड़े स्तर पर परिवार और समाज के व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी काम किया। स्वच्छ भारत मिशन